स्वामी के साथ वही हुआ जो दारा सिंह चौहान के साथ हुआ। दारा सिंह चौहान पर इंक फेंकने वाले को किसी ने छुआ तक नहीं, उसने स्याही फेंकी और निकल गया। स्वामी प्रसाद मौर्य पर जब फेंका गया जूता, सपाइयों के सब्र ने दिया जवाब। जूता फेंकने वालों का सब कुछ कर दिया लाल। मऊ के घोसी से बीजेपी उम्मीदवार दारा सिंह चौहान के पास स्वामी प्रसाद मौर्य का वायरल वीडियो पहुंचा होगा, तो उसे देखकर खुद पर कोप्त जरूर आ रहा होगा। स्वामी की राजनीति को याद कर अपनी राजनीति को निहार रहे होंगे, विश्लेषण तो जरूर कर रहे होंगे कि स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ वो बीजेपी से सपा में शामिल हुए थे, स्वामी सपा में ही रह गए और वो बीजेपी में आ गए, दोनों की राजनीति को क्या मिला। स्याही कांड और जूता कांड के बीच तुलना कर इतना तो जरूर समझ गए होंगे उन्हें कहां रहना चाहिए था। दारा सिंह चौहान अब जरूर अफसोस कर रहे होंगे, वो सोच रहे होंगे काश सपा के ही साथ रहते, काश अखिलेश का ही साथ देते तो ऐसा ना होता, ना ऐसा अपमान होता और ना ही वो यूं निकल जाता। देखिए आपके सामने दो तस्वीर हैं। पहली तस्वीर में बीजेपी नेता दारा सिंह चौहान पर स्याही कांड है, जिसने उनके ऊपर स्याही डाली वो आराम से आया, उनके ऊपर स्याही फेंकी और मुस्तैदी से निकल गया। बीजेपी कार्यकर्ता आराम से मुंह ताकते रहे, उनके सामने उनके नेता का अपमान हुआ, उन्होंने कुछ भी प्रतिक्रिया नहीं दी। अब इस तस्वीर को देखिए, सपा के ओबीसी महासम्मेलन के दौरान स्वामी प्रसाद मौर्य पर जूता फेंका गया। वकील के भेष में आए आकाश सैनी नाम के शख्स ने ये जूता स्वामी प्रसाद मौर्य पर फेंका और फुर्ती से भागने की जुगत लगाने लगा। तभी स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ रहे समर्थक उसी तरफ दौड़े, सपा और मौर्य समर्थकों ने हमलावर को पकड़ लिया और जमकर पीटा, बहुत बुरी तरह से उसकी कुटाई कर दी। वीडियो में देख सकते होंगे लोग आरोपी शख्स को लात घूंस और बैट से पीटते नजर आ रहे हैं, पीट पीट कर स्वामी समर्थकों ने अधमरा सा कर दिया। कार्यकर्ताओं ने आकाश और सैनी की धुनाई तो की ही, ऊपर से अखिलेश ने योगी सरकार की खूब खबर ली। ये जितने भी इस तरह के मसले हो रहे हैं बीजेपी शामिल है। अभी आपने मऊ और घोसी का देखा था, जिसमें इंक लगा दी गई और जब जानकारी मिली, आप जानते होंगे कि उसमें भी भारतीय जनता पार्टी के लोग शामिल थे। अभी आपको पता होगा कि उन्हीं के सहयोगी साथी क्या कह रहे हैं कि 12 बजे को लेकर के कुछ उन्होंने टिप्पणी की है। तो ये जानबूझ करके हमारा सबका ध्यान हटाना चाहते हैं। जिस तरीके से हर समाज के लोग जागरूक हो गए हैं, वो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी, संविधान, लोकतंत्र में जो उनकी हक था, सम्मान था, उसके लिए खड़े हो गए। इसीलिए ये भारतीय जनता पार्टी इन मुद्दों पर बहस न हो जानबूझ करके इस तरह की घटनाएं भारतीय जनता पार्टी करा रही है। और फिर अगर इस तरह की घटना हो रही है तो भारतीय जनता पार्टी जो दावा करती है जीरो टॉलरेंस है उनकी कानून व्यवस्था में, कि क्या कानून व्यवस्था है, हम सब जनप्रतिनिधि हैं, कहीं ना कहीं जनता को हमारी जवाबदेही है, आखिर हम ही लोग सुरक्षित नहीं है। अब जबकि बीजेपी नेता दारा सिंह चौहान ये खबर देखेंगे तो कुछ ना कुछ तो जरूर सोचेंगे, आखिर जो स्वामी के साथ हुआ वैसा ही कुछ स्वामी से पहले उनके साथ हुआ, लेकिन ऐसा हुआ तो बीजेपी के बड़े नेताओं ने अपनी जुबान सिल कर रख ली, किसी ने कुछ नहीं कहा।